Good morning, everyone. आवाज ना आए हिंदी में लिपिंग चाहिए ना आप लोगों को
देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें हिस्टोलॉजी के बारे में, ठीक है, प्रकृति और विधि, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारा जो व्रत है किडनी है उसका हमने एक सेक्शन दे दिया इस तरह। तो हम जब खोलते हैं उसको तो हमें क्या देखने के लिए, पहले तो इतना समझे आप, आपकी जो किडनी होती है वो किस शेप की रहेगी, आकार की रहती है, बाहर से तो कॉन्वेक्स होगी, कैसी होगी, उत्तल प्रकार, ठीक है, और अंदर से होती है अवतल प्रकार की, क्लियर है भाई। हमने क्या किया था, इस टाइप की आपकी किडनी थी, ठीक है, ऐसी तो होती है मेन बीम के आकार की, तो ऊपर से कैसी है, उत्तल से, मैंने इसको काट दिया बीच में से जस्ट हाफ, ठीक, तो अंदर से कैसी रहेगी, अवतल प्रकार की होती है, बीच में एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइलम, क्या कहा जाता है, हाइलम, हाइलम वो जगह होती है जहां से होकर ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ब्लड की जो आपकी वो रहती है नर्व्स वगैरह, ठीक है, वो सब इसमें एंट्री करेगी, क्लियर है, ब्लड के अंदर जो एंट्री करती है ब्लड वेसल्स हुई नर्व्स हुई वो किसके माध्यम से करती है, हाइलम वाली जगह से करती है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, मेड्यूला हो चाहे हो कॉर्टेक्स,
इन दोनों में से कुछ आउटग्रोथ, आउटग्रोथ समझते हैं आप लोग, कुछ शेल निकले रहते हैं। कुछ बाहर निकले रहते हैं, बाहर समझते हो ठीक है, कुछ बाहर निकले रहते हैं बल्कुल कैसे की और कैसे की। अगर बल्कुल से ठीक है, तो बल्कुल के उभारों को कहा जाता है नेचर कॉलम ऑफ बर्डिनी, यानी कि बर्डिनी के वक्तस्तंभ। ठीक, क्या कहते हैं कॉर्टेक्स वाले भाग के उभारों को हम बर्डिनी के वक्तस्तंभ। वही जब हम लोग बात करें मेडुला की ठीक है, तो मेडुला के जो उभार होते हैं उनको कहा जाता है, ये रहे उभार होंगे उन्हें कहा जाता है पिरामिड। क्या कहते हैं उसे हम, पिरामिड। समझ में आ रहा जाएगा इस रीजनल आर्टरी के माध्यम से जाएगा। क्लियर है?
निकला था और रक्त बाहर आएगा उसके माध्यम से आता है इनर वेन के पास। तो याद रखिएगा रक्त पंक्ति जो है ब्लड अंदर लेके जा रही है बल्कि रक्त शिरा जो है कवक को देखिए कोई भी किडनी के दो भाग है कॉर्टेक्स और मेड्यूला। दोनों ही भागों में उपाप उपस्थित होते हैं। कॉर्टेक्स के भागों को कहा जाता है पटेली के स्तंभ। मेड्यूला के भागों को पिरामिड कहते हैं। पिरामिड में आगे छोटा और बड़ा। छोटा वाला कैलिस जो होगा वो पिरामिड के जस्ट नीचे पाया जाएगा और जो मेजर होगा वो उस माइनर से थोड़ा दूरी पर उपस्थित होता है जहाँ पर अगर आपका जो यूरिन है वहां पर इकट्ठा होगा। समझ में आया? मेजर कैलिसिस आगे जाकर किसमें होते हैं? पेल्विस में। क्लियर है? पेल्विस वो जगह होती है जहां पर अगर आपका जितना भी यूरिन बन रहा है वो एक जगह इकट्ठा होगा। ठीक, उसके बाद ये यूरिनर से होते हुए बाहर चला जाएगा और किसमें कनेक्ट हो जाता है? आपका यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में। समझ में आई? क्लियर? फिर से क्लियर कर लेते हैं। रक्त धमनी वो चीज है जहां से होकर ब्लड इस वर्ग में किडनी में अंदर जा रहा है, शिरा से बाहर आ रहा है। ठीक है, फटाफट चले लिखे। रक्त का बाहरी भाग भीतरी भाग होता है। दो भाग में काटने पर देखते हैं कि देखते हैं कि इसमें एक बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला दिखाई देता है। इन दोनों भागों से कुछ उभार निकले रहते हैं। वो एक दूसरे में फंसे रहते हैं। कॉर्टेक्स के उभारों को वर्टिनी के रक्तस्तंभ कहा जाता है।
एक हाथ बात और सुन लीजिएगा, यहाँ पर मैंने पिरामिड बनाए हैं ना, साउंड करके बनाए हैं आप लोगों ने, कितने बना लिए? क्योंकि मनुष्य में इसकी जो संख्या होती है वो 6 से 12 भी होती है और 6 से 20 भी होती है। आप लोगों ने मतलब पहली बात की पिरामिड इसमें जैसे ऊपर होती है वैसे बात है, आप लोग सोच सकते हो कि ये 6 बनाए कि नहीं, ये सब चीजें काउंट करके बनती है हमेशा चेक करने वाले इंसान मनुष्य में 6 से 12 होती है। मनुष्यों की मनुष्य में प्रेमी की संख्या 6 से 12 होती है। पिरामिड के प्रत्येक पिरामिड के पेंडुलम और पिरामिड के पेंडुलम और एक जैसी संरचना दिखाई देती है, जैसे संरचना दिखाई देती है जिसे एनालिसिस कहा जाता है। प्रत्येक प्रत्येक न्यूरॉन को पिरामिड से एकत्रित कर मेडुला के केंद्रीय भाग में ले जाती है, उसे उसे द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब जरा एक हेडिंग की नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कुंडली में से होते हैं रक्त नलिका इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। रॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगी, शायद 6 नंबर बस तो चाहिए क्या? हम लोग डायग्राम नंबर देखने के लिए नहीं, डायग्राम बनाने को समझाने के लिए।
हल्का से क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, हल्का हल्का से। ऐसे ही बनाना है।
गुड। देखिए क्लास, यहाँ जब हम लोग बात कर रहे हैं हमारी नेफ्रोन के बारे में, नेफ्रोन क्या होती है? किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रोन कहा जाता है। नेफ्रोन को हिंदी में बोलते हैं रक्त नलिका। कहने की बात ये, जो हमारी किडनी होती है, कहने की बात ये है, जो हमारी किडनी होती है ना, वो ढेर सारी नेफ्रोन से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? जब हम बात कर रहे हैं नेफ्रोन की, तो इसमें टोटल
कि आपकी नेफ्रॉन क्या काम करती है, तो यूरिन को फिल्टर करने का काम करेगी। आ रही है? फिल्टर जब होगा तो जाहिर सी बात है इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ भी होंगे जिनका क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। अवशोषण करने के बाद जाएगा पीसीटी हो, डीसीटी हो, एनरेज लूप हो, क्या करेंगे, ट्यूब्यूल हो, ये किसमें डालेगा अवशोषित करने के बाद, अपने अंदर समाहित कर देगा क्या। अवशोषित करने का मतलब है यहाँ से पदार्थ सारे किसमें चले जाएंगे, इनके चारों ओर जो वासा रेक्टा ने जाल बिछा रखा है कोशिकाओं का, समझ में आया। अगर मैं किसी एक बंदे को रस्सी चारों ओर से इस तरह गोल को घुमा दूं पड़ी जैसे तरफ से, तो जो भी इंसान खाएगा ठीक है वो कहाँ प्रवेश करेगा, उस रस्सी के अंदर, ठीक है। जैसे हम अमर बेल की बात नहीं करते, ठीक है, तो अमर बेल में नहीं चली जाती सारी कोशिकाओं को खींच लेता है। सिमिलरली जो भी जब कोशिश करेगी कहाँ जाएगा, आपकी वासा रेक्टा में, मुझ में आ रही है। एक जॉइन हो जाती है, मतलब फिर से मिलकर एक चीज बनाती है जिसे हम बोल देते हैं वेन्यूल। वेन्यूल समझते हैं शिरिकाएं, क्या बनाती है वासा रेक्टा, शिरिकाएं। शिरिकाएं फिर आगे जाकर बनाएगी शिरा, और शिरा फिर क्या करती है, बाहर निकलती है रक्त में से, जो मैंने निकलवाया था अभी रक्त शिरा, ठीक है, रक्त शिरा में से होते हुए जो आपका फिल्टर ब्लड होगा वो बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही है डॉक्टर, थोड़ा 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 आ रहा है, गुड। अच्छा समझिएगा, यहाँ तो हमने डिस्कस किया आपके अपवादी और अभिवादी, एफरेंट और इफरेंट। एक खास बात और है यहाँ पर, एफरेंट हो और इफरेंट, इन दोनों प्रकार की भूमिकाओं में कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इन दोनों का व्यास जो होगा अलग अलग होगा, क्या समझते हैं, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल का व्यास हमेशा ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा, और इफरेंट का कम होगा, ठीक है, बात को गांठ बांध के रख लो। एफरेंट का हमेशा ज्यादा होता है, कहने की बात ये है कि जितना रक्त अंदर आएगा, समझ में आ रही है, तो ये तो ज्यादा लेकर आएगा, बड़ा पाइप है, मोटा पाइप है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी आएगा, ठीक है, और वहां से जो लेके जाने वाला है पानी को, वो पाइप थोड़ा पतला है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इतना ब्लड आ रहा है इतना इसको फिल्टर नहीं हो पा रहा, और सारा का सारा ब्लड लेके भी नहीं जाया जा रहा है, क्योंकि ये पतली है आपकी नली।